बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के करम और मेहरबानी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज जो मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, जो मैं पहले आपके साथ व्लॉग शेयर करता आ रहा हूँ, वीडियो शेयर करता आ रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो जगह बना रहे थे इसके सारे मैंने आपके साथ जो शेयर किया है। तो अभी जो है छुट्टी थी, ईद की छुट्टियाँ पीछे ही गुजरी हैं, तो आज तकरीबन पाँचवा या छठा दिन है ईद का। तो जो अभी मिस्त्री और मज़दूर थे वो नहीं आए काम के लिए, क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ वैसे ही पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है काम करने के लिए नहीं आए। वो काम ख़त्म कहाँ पर करके गए थे वो भी मैं आपको अभी आपको बताता हूँ, और क्या वजह है वो मिस्त्री और मज़दूर क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली दीवार मुकम्मल करके वो गए हैं, और इस दीवार को जब उन्होंने बनाया था तब जो है यहाँ पर ये वाले गो लगाई थी, तो ये गो जो उन्होंने अभी तक नहीं उतारी, पता नहीं क्यों नहीं उतारी ये मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर तो कुछ चिंटें भी उन्होंने रखी हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे जो है ये चोरी ना हो, क्योंकि यहाँ पर आजकल जो है काफ़ी चोरियाँ हो जाती हैं। और उधर जो है ये सामने वाली दीवार भी मुकम्मल हो चुकी थी, इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी जो है मुकम्मल हो चुकी थी, मतलब कि चार दीवारी तो हो चुकी है, गेट लगने वाला रह गया है। और उन्होंने शायद कुछ लेंटर वगैरह डालना या नहीं डालना ये मुझे अभी तक कन्फर्म नहीं है, अगर डालना हुआ तो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा, जो अगली वीडियोज़ आएंगी उन्हें पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं कि काम क्यों बंद हुआ हुआ है। ईद थी तो ईद की तकरीबन पांच छुट्टियां हुई हैं, चार पांच, तो आज जो है छठा दिन हो गया, लेकिन आज तो उनको लगना चाहिए था, आज सारे मज़दूर कल भी लगे हैं, हालांकि कल भी जो है सारे मिस्त्री मज़दूर जो है अपने अपने कामों को लगे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई काम उन्होंने शुरू नहीं किया। तो उसकी एक वजह पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मिस्त्री अंकल थे हमारे, जो मेन यहाँ पर जिन्होंने ये काम लिया है अपने ज़िम्मे के, मैं ये करके मुकम्मल दूंगा, तो वो कह रहे हैं कि हमें शादी आ गई है, हम वहाँ पर जाने लगे हैं। कल हम उनके पास गए थे, मतलब कि जो जिनका जो ये बनवा रहे हैं ना वो उनके पास गए थे कल, तो मैंने भी सुना है, उन्होंने मुझे बताया है कि वो उनकी शादी है कोई, तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। उन्होंने तकरीबन पाँच छः या फिर चार पाँच दिन तो लग जाने हैं वहाँ पर, उसके बाद शेयर करेंगे। तो उसके बाद जो है आपके साथ इस जगह से एक वीडियो जो है वो मैं शेयर करूँगा, उसके बाद ही उन्होंने आना है, चार पाँच दिन के बाद या फिर तीन दिन लग सकते हैं, ज़्यादातर मुझे पता नहीं है अभी पक्का, लेकिन वैसे उनको कोई शादी आई है इसलिए वो नहीं आ रहे। और जो बाकी मज़दूर हैं उनका भी जो है फिर काम बंद हो गया है, इधर जो आते थे पहले मज़दूर वगैरह उनका भी काम बंद हो गया है, वो भी जो है दो तीन दिन तक शायद ना आए, तो उसके बाद क्या पता कोई और मिस्त्री लग जाएं। लेकिन ये दो तीन दिन जो मैं आपके साथ ऐसे जो ब्लॉग शेयर करूंगा और आपके साथ जो अपनी रूटीन शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और अभी जो मैंने सोचा कि जो है आपके साथ ये मैं शेयर करता हूं कि कितना काम हो चुका है मुकम्मल, टोटली बताऊँ। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी कुछ हफ्ता पहले या फिर पता नहीं कब मैंने वीडियो अपलोड की थी, हफ्ता पहले तकरीबन की थी, तब जो उन्होंने सोलर प्लेट्स लगाई थी तो तीन प्लेट्स के साथ चला है, वो भी पंप अंदर लगा हुआ है, वो निकल उतार नहीं सकते थे हम, इसलिए वो उसके ऊपर बोरी दी हुई है। और आपको एक और बात बतानी है कि यहाँ पर जो है ये देखें जी, यहाँ पर एक डॉग जो है सोया हुआ है ये रेत के ऊपर, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सोया रहे कोई बात नहीं। तो ईद आपकी कैसी गुजरी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो है आजकल गर्मी इतनी नहीं है, लेकिन मतलब गर्मी है सही, लेकिन आज जो थी गर्मी इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है। तो अभी ये जो आपको सुराख अंदर नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, तो ये जब मिस्त्री अंकल आएंगे तो जिनकी ये जगह है वो कह रहे थे कि ये सुराख आपने जो है वो मेरी वीडियो देखते हैं, जिनकी ये जगह है वो मेरी वीडियो भी देखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो ये सुराख है ना ये एंड पे आपने भरवा देने हैं, मतलब कि जब ये काम मुकम्मल हो गया तो एंड पे जो इसके अंदर जो रोड़े वगैरह लगा कर आपने हमें देने हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि सही है, जब हमारा काम ये वो मुकम्मल हो गया उसके बाद लगा देंगे। तो अभी आपको मैंने एक और ये बात बतानी है कि यहाँ पर जो है इस जगह पर गेट लगने वाला है, तो वो गेट अभी तक उनने मंगवाया हुआ है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, वो दे नहीं रहे, जो गेट बना रहे हैं वो जो अंदर लेट कर रहे हैं काम, तो वो गेट दे नहीं रहे, जिसकी वजह से ये भी काम जो मसला जो रुका हुआ है, ये काम रुका हुआ है। तो इसके अलावा जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर भी दीवार होगी इस जगह पर, ये वाली जगह पर, ये जो जगह सारी है इधर, और उधर भी दीवार ये भी होगी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा यहाँ पर कमरे वगैरह बनाने हैं, तो वो बना लेंगे बाद में। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जगह है जो है वैसे कि वैसी, जैसे हम छोड़ कर गए थे वैसे कि वैसी, इसको कोई भी तब्दील नहीं किया, किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ से जो सामान यहाँ पर जो हमने गार्डर वगैरह रखे थे वो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि ऊपर जो और दीवार बनानी थी। तो ये उसी दिन की ईद से दो दिन पहले, एक दिन पहले की लगी हुई है, मतलब कि 29वें रोज़े को ये हमने ये गोल लगाई थी और तब की लगी हुई है। तो अभी जो यहाँ पर मैं छाँव में आकर बैठ चुका हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है मुझे ऐसे ही देखते रहें, दो तीन दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इसलिए माजरत, क्योंकि जो है ना मुझे कोई वीडियो नहीं मिल रही थी, मैं क्या आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो है मिस्त्री अंकल लोग वगैरह आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्या शेयर करूँ। आगे से इंशाल्लाह मैं जो भी मुझे मिलेगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, डेली की वीडियो डालने का ज़रूर सोचूंगा नहीं, मैंने अब तय कर लिया कि डेली व्लॉग्स आपके साथ लाऊँगा,
कोई भी मुझे मिल जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मतलब कि कहीं पर जा रहा हूँ आपके साथ रूटीन शेयर करूंगा, आप मेरी ज़िंदगी जाने के मैं कैसे जी रहा हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा काम भी जो करेंगे, जो यहाँ पर भी जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी काम करना है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़रूरत है, और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मुझे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर की बेहद ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें और ऐसे वॉच करते हैं। मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।